अस्सलाम वालेकुम। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस द सेकेंड टॉपिक ऑफ द डेटिंग, दैट इज़ द रेडियो कार्बन डेटिंग। हल कार्बन एटम्स है 6 प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस, बट द न्यूक्लियस आल्सो कंटेन द 6, 7 और 8 न्यूट्रॉन्स। सो कार्बन ट्वेल्व हैव 6 प्रोटॉन एंड 6 न्यूट्रॉन इन इट्स न्यूक्लियस। So you can write carbon-12 in this form. This is a stable nucleus. 99% of all the natural carbon is present in carbon-12 form. Definitely stable जो form होती है वो आपको nature के अंदर ज़्यादा मिलती है। carbon-13, this atom have 6 protons and the 7 neutrons. This is written in this form, carbon. C represents the carbon and 13 should be written in the superscript. This is also a stable nucleus. 1% of all natural carbon is present in carbon-13 form. carbon-14, carbon with the 6 proton and the 8 neutrons is the isotope known as carbon-14 form. This isotope is unstable as it is radioactive isotope. It releases radiations from it. About 1 and 10 raised to power 12 carbon atoms in the atmosphere is in for carbon-14 form. Radioactive carbon, how it is generated? It is generated in the upper troposphere when a cosmic ray mostly highly energetic rays hai, isme nucleus ya sometimes jo hai neutron proton hit karte hain dusre एटम को, और ये जो कॉस्मिक रेज होती हैं या इनमें इतनी स्पीड तेज़ हो जाती है रेज की कि ये लाइट की स्पीड को अटेन कर लेती हैं, हिट द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम एंड प्रोड्यूसेस अ न्यूट्रॉन। ये एटम के न्यूक्लियस को हिट करती हैं और न्यूट्रॉन प्रोड्यूस करेंगी। दैट इज़ देन कैप्चर्ड बाय द नाइट्रोजन एटम N14। नाइट्रोजन एटम का ये एटॉमिक नंबर है और ये एटॉमिक मास है, ठीक है। ये न्यूट्रॉन कैसे प्रोड्यूस हुआ? ये न्यूट्रॉन प्रोड्यूस हुआ जब कॉस्मिक रेज ने हिट किया प्रोटॉन्स के न्यूक्लियस को। अब ये इसके साथ कंबाइन करेगा तो कार्बन-14 का आइसोटोप बनेगा। ये 14 इज़ द एटॉमिक मास एंड 6 इज़ द एटॉमिक नंबर, और उसके साथ आपके पास यहाँ पर एक प्रोटॉन रिलीज होगा, हाइड्रोजन का प्रोटॉन का एटॉमिक नंबर भी बनना है और एटॉमिक मास भी बनना है। ये देखिए डायग्राम से क्लियर हो रहा है। ये नाइट्रोजन 14, इससे प्रोटॉन रिलीज हो रहा है और ये कन्वर्ट हो रहा है कार्बन-14 के अंदर, और देन ये ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्शन करता है, ऑक्सीजन आपको पता है एनवायरनमेंट के अंदर मौजूद होती है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट होगा और इस कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट्स यूज़ करते हैं। बाय कन्वेंशन आप देखें तो अपर जो नंबर है वो इंडिकेट करता है प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन, जिसको आप एटॉमिक मास कहते हैं, और जो आपने सिंबल्स यूज़ किए हुए हैं उसमें जो लोअर नंबर है वो एटॉमिक नंबर को शो करता है। जनरेशन ऑफ रेडियो एक्टिव कार्बन अकर प्राइमरली इन द अपर ट्रोपोस्फियर, बट कार्बन मोस्टली एज अ कार्बन डाइऑक्साइड मिक्सेस थॉरली इन द एटमोसफियर एंड इज इनकॉर्पोरेटेड इन टू द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। कार्बन एटमोसफियर के अंदर रिएक्शन करती है कार्बन डाइऑक्साइड में, और ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर इनकॉर्पोरेट होती है, क्योंकि CO2 आपको पता है कि प्लांट्स यूज़ करते हैं। जब प्लांट्स यूज़ कर रहे हैं तो प्लांट्स की जो प्लांट्स के ऊपर फिर एनिमल्स फीड कर रहे होते हैं, तो जो उनकी बॉडी के अंदर इनकॉर्पोरेट हुई हुई है CO2, वो फिर एनिमल बॉडी के अंदर एंटर होगी। द प्रोपोर्शन ऑफ कार्बन-14 एंड टू कार्बन-12 इन द लिविंग टिश्यू इज कंपेरेबल विद द प्रोपोर्शन ऑफ कार्बन इन द एटमोसफियर फॉर टेरेस्ट्रियल एनिमल और टू द वाटर बॉडी फॉर एक्वाटिक एनिमल्स। अब लिविंग टिश्यू के अंदर कितनी प्रोपोर्शन होगी कार्बन-14 और कार्बन-12 की, ये डिपेंड करता है कि अगर टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में एनिमल रह रहा है
तो वो उसके कंपैरिजन में होगी, और अगर एनिमल एक्वाटिक एनवायरनमेंट में रह रहा है तो वो उसके रिलेटिव होगी। एनिमल गेट देयर कार्बन 14 डोज फ्रॉम द फूड दैट दे कंज्यूम। एनिमल कार्बन 14 कहाँ से लेते हैं? उस फूड से लेते हैं जो ये कंज्यूम करते हैं। व्हेन द ऑर्गेनिज्म और टिश्यूज डाइज, एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बन 14 सीजेस एंड द अमाउंट ऑफ C14 ग्रेजुअली डिकेज। ऊपर आप कह रहे हैं कि कार्बन 14 एनिमल कहाँ से लेते हैं? ये अपनी फूड से लेते हैं। तो जैसे ही एनिमल की डेथ होती है, कार्बन 14 की एब्जॉर्प्शन जो है वो सीज हो जाएगी, रुक जाएगी, और जो कार्बन 14 उनके बॉडी के अंदर पहले से मौजूद है उसकी डिग्रेडेशन शुरू हो जाएगी। रेडियोएक्टिव कार्बन डिकेज बैक टू द कार्बन टू द नाइट्रोजन, एमिटिंग एन इलेक्ट्रॉन एंड एन एंटी न्यूट्रिनो विद नो मास और चार्ज। अब पहले कार्बन 14 का आइसोटोप कहाँ से बना था? नाइट्रोजन से। अब कार्बन 14 का आइसोटोप दोबारा से डिग्रेड होकर कन्वर्ट होता है नाइट्रोजन के अंदर, साथ आपके पास इलेक्ट्रॉन एक रिलीज होगा और उसके बाद एंटी न्यूट्रिनो भी रिलीज होगा। दिस रेडियो एक्टिविटी इन लिविंग टिश्यू इज़ वेरी वीक। लिविंग टिश्यू के अंदर रेडियो एक्टिविटी बहुत कम होती है, अबाउट 2.5% ऑफ दैट ड्यू टू द डिके ऑफ नेचुरली अकरिंग पोटाशियम 14। नाउ यू कॉन्ट टेल इफ सम बॉडी इज अलाइव और नॉट यूजिंग अ गीगर काउंटर, फ्लैश इज प्रैक्टिकली ओपैक टू द रेडिएशन। द पाथ लेंथ इन एयर इज अबाउट 22 सेंटीमीटर। ये गीगर मोलर काउंटर आप ये डिफरेंट ऑपरेटर्स वगैरह यूज़ करते हैं, उससे रेडियो एक्टिविटी वगैरह शो हो जाती है। जो गोश्त है या फ्लैश है वो अपैक होता है रेडिएशन से। आफ्टर अबाउट 10 C14 to N14 हाफ लाइफ, देर इज ऑलमोस्ट नो मोर कार्बन 14 लेफ्ट इन द टिश्यूज। इसी तरह से जब एक कंपाउंड दूसरे कंपाउंड के अंदर कन्वर्ट हो रहा होता है तो उसमें चेन्स चल रही होती है, उनकी डिग्रेडेशन चेन्स। ये नहीं है कि कार्बन जो है वो डायरेक्टली नाइट्रोजन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो तकरीबन 10 हाफ लाइफ के बाद आपको कार्बन 14 का कोई टिश्यू नहीं है या कोई कॉन्टेंट नहीं मिलेगा। बाय मेजरिंग कार्बन 14 कॉन्टेंट यू कैन एस्टिमेट हाउ लॉन्ग अगो द टिश्यू डाइड। आप जब कार्बन 14 का कंटेंट मेजर करते हैं तो आप ये बता सकते हैं कि टिश्यू के कितने अर्से पहले डेथ हुई थी, प्रोवाइडिंग दैट इट इज़ नॉट टू ओल्ड, दैट कार्बन 14 लेवल इज़ टू लो टू मेजर एक्यूरेटली। अगर तो C14 लेवल बहुत कम होता है तो इसका मतलब यह है कि टिश्यू बहुत पुराना है, जिसकी वजह से C14 की डिग्रेडेशन हो चुकी है। The half-life of decay C14 to nitrogen is 5,730 years, so the concentration halves every 5,730 years। अब कार्बन की जो डिग्रेडेशन होती है C14 की N14 में, उसकी टाइम पीरियड कितना लगता है? 5,730 साल। सपोज़ कि अगर आपके पास 10 ग्राम थे C14 के शुरू में और 5,730 सालों बाद आपके पास नाइट्रोजन के 5 ग्राम मिलेंगे, यानी इसकी हाफ डिग्रेडेशन हो चुकी है। अ प्रैक्टिकल लिमिट फॉर एक्यूरेट डेटिंग इज 26,000 ईयर्स। इन अदर वर्ड्स, मटेरियल दैट इज यंगर देन द लास्ट ग्लेशियर मैक्सिमम, बट यू कैन गेट एक्यूरेट डेट्स अप टू 43,500 ईयर्स एंड सम फैसिलिटीज प्रोवाइड रफ डेट्स टू 60,000 ईयर्स। मेजरिंग C14 कंसनट्रेशंस, इसके लिए आपके पास दो मेथड्स होते हैं। रेडियोमेट्रिक मेथड, यू काउंट द डिके रेट ऑफ द इंडिविजुअल एटम्स इन अ सैंपल यूजिंग अ गैस। प्रोपोर्शनल काउंटर अ फॉर्म ऑफ गीगर काउंटर और लिक्विड स्कैंडिलेशन काउंटर। एम इसका क्या है? आपने कंप्लीट करना है आइसोटोप एनालिसिस एक्सेलरेटर मास स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में। ये जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो वहाँ पे अगर तो आपको किसी ने मास स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का यूज़ दिखा दिया तो ठीक है, वरना रटवा तो ज़रूर ही देंगे टेक्निक्स क्या है। बैरल स्पेक्ट्रोफोटोमीट्री की ये टेक्निक्स हैं, इससे हम डिटेक्ट कर सकते हैं C14 की कंसनट्रेशन। रेडियो एमिट्रिक डेटिंग रिलेटिवली चीप है, तकरीबन इस पर आपका जो खर्च आता है पर सैंपल वो $300 है।
लेकिन पाकिस्तान में ये हमारे लिए चीप नहीं है, $300 इज मोर देन एनफ फॉर अस, तकरीबन कोई 32-33